स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर फैक्ट्स RBL में। आज हमारी क्लास होगी, आप देख सकते हैं UPSI की जो हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। यहाँ पे हमने टोटल जो है आपके 5 कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। अब आपको 5 जो है आपके हिंदी के मॉक टेस्ट लेके आए हैं। तो यहाँ पे जो आपका पहला सेट था उसको हमने सॉल्व करवा दिया। अगर आपने नहीं देखा, उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके वहाँ पे देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे, वहाँ से डायरेक्टली आप जाके देख सकते हैं। और ये जो हमारा सेट होगा, ये सेट नंबर 2 है, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है और UPSI स्पेशल है। किसके लिए है? UPSI की अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं और करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यहां पे हम आप सामान्य हिंदी के टोटल 25 क्वेश्चंस करवाएंगे और वो भी सिलेबस बेस्ड हैं, आप देखेंगे। और यहां पे ये भी देखिएगा कि हमारी स्कोरिंग इसमें कितनी हो रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन देते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, हिंदी को राज्य दर्जा कब मिला? हिंदी को राज्य दर्जा का जो है कब स्वीकारा गया? तो आपको यहां से ये बात क्लियर होगी कि हिंदी कब मनाई जाती है, तो 14 सितंबर को मनाई जाती है। और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो ऑप्शंस में आप देख रहे हैं कि 14 सितंबर 1949 को हमारा जो राजभाषा है यानी कि हिंदी है उसको कब दर्जा मिला, राजभाषा का दर्जा मिला, तो 1949 में। और कब मिला? तो 14 सितंबर में मिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों में व्यवस्थित रूप को क्या कहा जाता है? तो आपने सुना होगा क्या, देवनागरी लिपिक है ना। देवनागरी हमारी जो हिंदी लिपिक है वो कौन सी है? देवनागरी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से तालव्य ध्वनि कौन सी? देखिए, तौलव्य ध्वनि आपकी कौन सी है? तो तौलव्य आपकी क्या है? शाह है। क्या है? शाह है। और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देवता शब्द का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, देवता जो है आपका शब्द है उसका पर्यायवाची नहीं है, यहां पे आपको बताना है। तो देवता का पर्यायवाची क्या नहीं होगा, आप बताइएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर आपका है कि देवता क्या होगा, सुधाकर नहीं होगा। सुधाकर आपका नहीं होगा क्योंकि तो यहाँ पे ऑप्शंस आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शंस नंबर डी हो जाएगा, सुधाकर आपका नहीं होगा। और सुधाकर किसका होता है? तो सुधाकर जो होता है वो चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं, जो सुर है, अमर है, देव है, ये सब देवता के पर्यायवाची होते हैं, समानार्थी शब्द होते हैं। अगर आगे बात करते हैं तो दिए गए विकल्प में से नर्मदा जो है, नर्मदा का पर्यायवाची शब्द है, नर्मदा का पर्यायवाची शब्द है, तो आपको यहाँ पर बताना है। तो का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विनीत जो होता है वो विनीत, आप देखते होंगे कार्ड वगैरह में विनीत लिखा होता है, तो विनीत का मतलब है विनम्र निवेदन है कि आपको हमारे निमंत्रण में पधारना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन है विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े को पहचानिए। मतलब जो अनुचित हो, अनुचित का मतलब है कि जो जोड़ा आपका मैच न कर पा रहा हो, यहाँ पे वो आपका आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका लभ्य का अलभ्य होगा, बिल्कुल सही है। शेष का अशेष, हाँ ठीक है, ये भी है ना। और शिष्ट का क्या है? परिशिष्ट है। ये आपका क्या है? गलत है। शिष्ट का परिशिष्ट आपका गलत है। शिष्ट का क्या होता है? अशिष्ट होता है। क्या होता है? यहाँ पे अशिष्ट होता तब यहाँ पे आपका ये सही हो जाता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो गया? सही हो गया। ये जो जोड़ा है आपका, ये अनुचित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो अपने जीवन में जो है कथा लिखी जाती है उसको हम क्या कहते हैं? तो आपने सुना होगा आत्मकथा। क्या बोलते हैं? आत्मकथा। जो आत्मकथा होती है वो अपने जीवन के बारे में लिखी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? आत्मकथा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी, वाक्य में क्या त्रुटि है? देखिए, अगर हम बात करते हैं इसमें, इस सेंटेंस में अगर बात करते हैं तो इस सेंटेंस में क्या होगा कि जो सजा है, ठीक है, ये यहां पे क्या है? त्रुटि है। सजा यहां पे त्रुटि है, तो ये आपका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राजा ने मृत्युदंड दी है ना, तो मृत्युदंड खुद ही आप में क्या है? एक सजा है। मृत्युदंड के बाद कोई सजा नहीं हो सकती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो जो दिए गए शब्द
का सही स्त्रीलिंग पहचानता है? प्रबंधक, प्रबंधक करता, जो प्रबंधक करता है उसका जो है यहाँ पे स्त्रीलिंग आपको बताना है, ऑप्शंस नंबर 9 में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप आपका प्रबंध करती हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रबंध करती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाँ, गरीब घर के लोग का जीवन दयनीय होता है, दयनीय होता है। वाक्य में रेखांकित शब्दों के वचन बदलो, इसमें हमें क्या करना है, वचन को बदलना है। तो ऑप्शंस नंबर आपका यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा आपको बताना है, ऑप्शंस नंबर 10 का यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो 10 का जो होगा आपका, जो घरों हैं और लोगों हैं इनको आपको क्या करना पड़ेगा, इनको बदलना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शंस नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो क्या आप घर भी जाएंगे, वाक्य में रेखांकित पद, मतलब जो आपका रेखांकित पद है आप इसमें आपका जो है क्या मतलब होगा, रेखांकित पद में क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो 11 है, 11 में आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शंस नंबर सी हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। आप मतलब सर्वनाम, आप तुम हम सर्वनाम हो गए। अगला है, आसमान का रंग नीला है, विशेष शब्द जो है विशेष पहचाने, आसमान का रंग नीला है, तो जो नीला है उसकी आपको क्या बताना है, विशेष इसमें बताना है। तो विशेष क्या होगा, तो आपका आसमान क्या होगा, आसमान, आसमान का रंग, तो आसमान की विशेषता बताई जा रही है, विशेष बताया जा रहा है कि आसमान कैसा है, आसमान कल का जो कलर है वो कैसा है, नीला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है, भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे देखते हैं कि लिखा हुआ है अब चला जाए, अब चला जाए, रवि आम चूसता है, तो ये दोनों तो आपके क्या हैं, भाववाच्य यहाँ पे प्रकट नहीं हो रहे हैं, भाववाच्य जो है प्रकट नहीं हो रहे हैं। इसमें ऑप्शंस आपके दूसरे ऑप्शंस देख लेते हैं, हाँ ये ऑप्शंस दिया है, मोहिनी पत्र लिखती है, यहाँ पे भी कोई भाव का जो है, भाव की बात नहीं समझ में आ रही है, लेकिन शीला ने खाना नहीं खाया है ना, तो यहाँ पे भाव उत्पन्न हो रहा है कि शीला ने खाना नहीं खाया, तो इसका मतलब है ऑप्शंस नंबर डी हो जाएगा, 13 का राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर में खिलौना शब्द का जो है मूल शब्द है और प्रत्यय जो है इसका मूल शब्द बताना है और प्रत्यय भी आपको बताना है 14 नंबर में। यहाँ पे ऑप्शंस नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शंस नंबर आपका बी हो जाएगा, खेल और आना, क्या हो जाएगा, खेल और आना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है पारा ना उतरने का जो मुहावरा है वो आपको बताना है। तो पारा जो आपका ना उतरना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको पता ही है कि अशांत होना, क्या होना, अशांत मतलब शांत ना होना, पारा उनका पारा चढ़ जाना या पारा गर्म हो जाना ना, ये सब जो शब्द होते हैं ये क्या होते हैं, अशांत के लेते हैं, व्यक्ति अशांत नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला हमारा क्वेश्चन देखिए पैराग्राफ है, और पैराग्राफ एक बार आप जब पढ़ेंगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार हम आपको पढ़ के बता देते हैं, भारत ने स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी, सरकारी प्रयासों से काफ़ी सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए हैं, वह क्षेत्र है खेलों का, क्या कौन सा क्षेत्र है, खेलों का। इससे बड़ी विडंबना क्या है हो सकती है कि हम वर्षों में ओलंपिक में कोई भी स्वर्ण पदक जीत नहीं पाते हैं। अगला टॉपिक मतलब है कि दुनिया के छोटे छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्रों के प्रतिभागी भी खेल कूद के क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए हैं। कभी हॉकी का विशेष चैंपियन रहने वाले भारत आज इस खेल में अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है। खेलों के गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है? एक ओर सरकार की उदासीन दोषपूर्ण सरकार नीति है, तो दूसरी ओर विभिन्न खेल संघों की गुटबाजारी खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं एवं प्रशिक्षण का सर्वथा अभाव या कुछ
और प्रतियोगिताओं में भाग लेकर भाग लेकर खाली हाथ लौटने पर भी सभी एक दूसरे को दोषी बताते हैं। कारण चाहे जो भी हो, इतना तय है कि खेलकूद को राष्ट्रीय सम्मान का पर्याय नहीं मानते हैं। अभाव प्रतियोगिताओं का नहीं है, अभाव तो लगन का, प्रोत्साहन का, साहस विकल्प मुंह तोड़ जवाब देने वाले जीवट का है। अब यहाँ पे ऑप्शंस हमने जो है पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया है। अब आपको क्या करना है, इससे संबंधित आपको आंसर देना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि खेलों का निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गया है, क्योंकि वहाँ क्या है, तो क्योंकि वहाँ पे क्या है, खेलों का राष्ट्र सम्मान है, खेलों का क्या है, राष्ट्र सम्मान है, इसलिए वो हमसे आगे निकल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो गद्यांश प्रयुक्त शीर्ष हो सकता है, तो जो आपका गद्यांश है उसका शीर्ष क्या है, तो इसका शीर्ष बिल्कुल क्लियर है कि इसका क्या है, खेलों का गिरता स्तर। तभी वहाँ पे बताया गया है कि खेल पे जो है सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है। अब ये आप देख सकते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है, मतलब जो खेल आपके गिर रहे हैं उनका कारण कौन सा नहीं है, तो खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान, कौन सा, खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान ये गिरने का कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कवियों में से गांधी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया, गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र जो है कवि सम्मान दिया था, तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त को दिया था, किसको, मैथिली शरण गुप्त को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे कहा जाता है, जो हिंदी गद्य है उसका सर्वप्रथम युग किसे कहा जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। सतसाई के जो है लेखक कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सतसाई के लेखक, तो सतसाई के लेखक कौन है, बिहारी हैं, कौन है, बिहारी जो हैं सतसाई के लेखक हैं। अगला है, सन 1955 में साहित्य अकादमी किसे प्रदान किया गया था, तो किसे प्रदान किया गया था, तो ये आपके जो माखनलाल चतुर्वेदी थे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितनी नावों में कई बार रचना, ये आपकी रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ये इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार, क्या हो जाएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध छांटिए, क्या छांटना है आपको, अशुद्ध छांटना है, इसका मतलब आपको एरर छांटना है, तो इसमें एरर क्या हो जाएगी, आपका जो व्यंग लिखा हुआ है ये पूरी तरीके से क्या है, एरर है, इसमें क्या है, गलती है। बाकी आप देख सकते हैं उपर्युक्त भी सही है, पूजनीय भी सही है, महीना भी आपका सही लिखा हुआ है, लेकिन ये आपका जो है आपका ये गलत लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आता है, तो हम देखते हैं कि रिक्त स्थान भरें, क्या भरना है, रिक्त स्थान भरना है। भारत विश्व की उन प्रथम सभ्यताओं में से है जहां सिक्कों का जो है .. शुरू हुआ, जहां पे सिक्कों का क्या हुआ, शुरू हुआ, तो यहां पे आपका ऑप्शंस क्या, प्रचलन शुरू हुआ, क्या शुरू हुआ है, प्रचलन शुरू हुआ है। यहां से हमारे टोटल 25 क्वेश्चंस सेट जो है कंप्लीट हो चुका है मॉक टेस्ट। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारे जो है इसमें से कितने क्वेश्चंस सही हो पाए हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।